अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम यू एसएसटी टीचर फॉर क्लास 7th ए एंड बी अलाइड स्कूल हनाबाद कैंपस। पिछले वीडियो नंबर 2 के अंदर जो एसएसटी की सेकंड था चैप्टर, उसके हमने ऑब्जेक्टिव किए थे, और थर्ड वीडियो के अंदर हमने थर्ड चैप्टर की ब्लैंक्स की थी ओनली। ठीक है, तो आज जो है हम लेसन नंबर 3 जो है ना उसकी हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं मैंने कुछ जो हैं वो इसके ऊपर राइट कर लिए हैं। आपको ये असल में मैंने लिखे हैं लेड पेंसिल से, इसलिए शायद आपको अच्छे से नज़र आ रहा है। तो हम जो है आपने भी पेंसिल ही यूज़ करनी है। ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड की जो मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम लिखने हैं आपने। तो उसका जो आंसर है, ये जितने भी रेड कलर के हाईलाइट किए हुए हैं क्रॉप्स के नेम हैं, ये आपने लिखने हैं। जैसे राइस है, वीट है, कोका है, ठीक है, रबर है, टी है, कॉफ़ी है, तो ये तमाम जो हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, आपने सिर्फ जस्ट नाम लिखने हैं, डिटेल नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर कॉफ़ी वाज डिस्कवर्ड। कॉफ़ी जो है वो कहाँ पर डिस्कवर्ड हुई थी सबसे पहले। ठीक है, तो आपने जो है इसका आंसर जो है अपनी बुक में से ढूंढ लेना है। कॉफ़ी वाला आप अपना पैराग्राफ खोलें, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि एथोपिया जो है, सोमालिया एथोपिया में कॉफ़ी जो है वो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, तो ये आपके दोनों क्वेश्चंस हैं शॉर्ट, ये आपने अपने ब्लैंक्स के साथ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इनको भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। थैंक यू।